Hello everyone. In this video, we will discuss about mitochondria. Mitochondria are granular or filamentous, light microscopic cytoplasmic organelle, यानी कि cytoplasm के अंदर present होगा. Characterized by specific organization होता है इसका, lipoproteinous composition होती है, with large batteries of enzymes and coenzymes इसके अंदर present होंगे. Site होती है cellular respiration की and so semi-autonomous in nature होता है mitochondria. कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फूड, जो भी हम फूड स्टफ ईट करते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी को ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट इज एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है. एंड टेक पार्ट इन सेलुलर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. इसके अलावा इससे कुछ दूसरे नाम होते हैं जैसे कि प्लाज्मोसोम, प्लास्टोकोंड्रिया और वर्मिक्यूल्स. एबसेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, एक्सेप्ट मैच्योर एंड ओल्ड मैमिलियन आरबीसीस. एक टर्म आती है कोंड्रियोसोम. ऑल द माइटोकोंड्रिया प्रेजेंट इन ए सेल, सेल के अंदर जितने भी माइटोकोंड्रिया प्रेजेंट होंगे उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, कोंड्रियोसोम बोला जाएगा. इनकी जो माइटोकोंड्रिया की जो साइज़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है. ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं एनिमल सेल के अंदर, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल होते हैं प्लांट्स के अंदर. इसके बाद अल्ट्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे मेम्ब्रेन की. एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है. तो यहाँ पे ये इनर होगी और ये आउटर हो गई, ये दो मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है. अगर हम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये लिपोप्रोटीनियस ट्राइलेमिलर यूनिट मेम्ब्रेन होती है. इसके अंदर लेस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन लिपिड्स ज़्यादा होते हैं और स्पेशली कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. फ्रीली परमेबल होती है स्मॉल साइज्ड बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, उन चैनल्स को बोलते हैं पोरिन्स प्रोटीन. पोरिन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद ये जो होती है मेम्ब्रेन, ये एसिमेट्रिकल इन नेचर होती है और ये डायरेक्टली साइटोसोल के कॉन्टैक्ट में होती है कुछ पॉइंट्स के ऊपर, सारों के ऊपर नहीं होती, कुछ पॉइंट्स के ऊपर होती है. और ये कंटिन्यूस होती है मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी यहाँ पे क्या होगा, जो एंडोप्लाज्मिक की रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होगी उसके साथ ये कंटिन्यूसली प्रेजेंट होगी. अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये इनर होती है, लिपोप्रोटीनियस होती है एंड थिक होती है और अगेन ड्राई लेमिनर होती है. ये इसके अंदर मोर प्रोटीनियस होते हैं जो कि कैरियर और परमेजिस की तरह एक्ट करते हैं. कैरियर और परमेजिस क्या होते हैं, जो कि कोई भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में या फिर किसी भी ट्रांसपोर्टेंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये, और ये क्या करती है, कुछ इनवर्ड फोल्ड्स प्रोड्यूस करती है. ये जो फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं हमें, ये क्या है, इसके इनवर्ड फोल्ड्स होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, जिनको बोला जाता है क्रिस्टे. ये जो फोल्ड्स हैं इनको बोला जाता है क्रिस्टे. क्रिस्टे जो है माइटो, या फिर इनको माइटोकॉन्ड्रियलिस बोला जाता है या फिर माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट बोला जाता है. ये जो फोल्ड्स हैं ये ब्रांचेस भी, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं या फिर अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, कंप्लीट भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, ट्यूबुलर शेप्ड भी हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं फिलीफॉर्म, जैसे कि एनिमल सेल्स के अंदर फिलीफॉर्म क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे. इस मेम्ब्रेन को अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करके देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई. इनर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये एक फोल्ड है इनर मेम्ब्रेन का, ऐसे जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसका एक फोल्ड प्रेजेंट है यहाँ पे. तो ये क्या हो गया, ये फोल्ड क्या हो गया, क्रिस्टा हो गया. इसके बाद इस क्रिस्टा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एक हेड स्टॉक और बेस स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं. इसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे. जो ये आउटर मेम्ब्रेन होगी तो यहाँ पे आउटर चैम्बर प्रेजेंट होता है और एक इंटरस्पेशल, यहाँ पे इंटरक्रिस्टल स्पेस प्रेजेंट होगा और ये इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होगी. तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टे कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे किस किस टाइप के क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज द सेप्टेट क्रिस्टे जो कि पैरेलल साइडेड होंगे, ये जो प्रेजेंट है ऐसे पैरेलल साइडेड प्रेजेंट है. अब इनके अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं, ये फॉर्म कर सकते हैं एंगुलेशंस, जो क्या होगा, एक जिगजैग पैटर्न होगा, जैसे कि ये दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ये जिगजैग पैटर्न फॉर्म कर लेते हैं जो क्रिस्टे होते हैं वो फॉर्म करते हैं. या फिर ये कर सकते हैं प्रिस्मेटिक टाइप,
प्रिज्मेटिक टाइप के अंदर क्या होगा, जैसे कि ये प्रेजेंट होते हैं क्राइकोथायरॉयड मसल सेल्स या फिर लैरिंग्स जो होते हैं बैट्स के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, या फिर ये ब्रांच्ड हो सकते हैं या फिर इंटरकनेक्ट हो सकते हैं हनी कॉम पैटर्न के टाइप। ये जो हनी कॉम पैटर्न है ऐसे क्या कर सकते हैं, ये ब्रांच्ड बना के एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकेंड टाइप के क्रिस्टे होते हैं ट्यूबुलर वेलस क्रिस्टे, जो कि विलाई लाइक पैटर्न शो करते हैं। और इन ये इनके अंदर टर्मिनल एंड जो होगा, ये जो विलाई लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे, इनके अंदर जो टर्मिनल एंड होगा वो टर्मिनल एंड क्या होगा, सेलन हो जाएगा, और इसको बोलते हैं सेक्युलर और वेसिकुलर क्रिस्टे। अब ये क्रिस्टे का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्रिस्टे का फंक्शन होता है सेल सरफेस जो होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो सके और सेल रेस्पिरेशन में ये हेल्प कर सके। इसके अलावा जो नंबर है, इनका नंबर है, क्रिस्टे का नंबर है, वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर और मेटाबॉलिक रेट कितना है उस सेल का। इन दो फैक्टर्स के ऊपर जो नंबर है वो डिपेंड करता है। ये टाइप्स थे क्रिस्टे के। नेक्स्ट वन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टे। अरेंजमेंट कैसा कैसा होगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ जो क्रिस्टे होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रिस्टे का, वो या तो लॉन्गिट्यूडनल होता है या तो वो ये या तो ये लॉन्गिट्यूडनल शो करता है, जैसे कि ये प्रेजेंट ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, तो ये लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट हो गया इनके अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ पे वेसिकुलर क्रिस्टे की जो हमने बात की थी, ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेलन एंड हो जाएंगे इनके। ये प्रेजेंट होते हैं WBCs एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के अंदर, जिनके अंदर एक वेसिकल्स प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेंगे, जनरली ब्रांच्ड होते हैं और एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्रिस्टे हिपेटोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक लैमिले होते हैं और ट्यूबुलर क्रिस्टे जो होते हैं उनका मिक्सचर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्रिस्टे भी हैं और यहाँ पे ये लैमिले भी प्रेजेंट है। ये क्रिस्टे का पैरेलल अरेंजमेंट है, ये पैरेलली प्रेजेंट है और ये लॉन्गिट्यूडनल थी और ये क्या है, पैरेलली प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज़ ये कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, हनी कॉम की तरह प्रेजेंट हो सकते हैं। हनी कॉम जो क्रिस्टे होंगे वो फ्यूज हो जाएंगे और ये एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, जैसे कि वेंट्रिकुलर पेपलरी मसल्स के क्रिस्टे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्रिस्टे होते हैं, जैसे कि इंटरस्टीशियल सेल्स जो होती हैं टेस्टिस की, उसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल एंड रिड्यूस हो जाते हैं, ये बिल्कुल स्मॉल एंड रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर क्रिस्टे ही एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर क्रिस्टे एब्सेंट है यहाँ पे। क्रिस्टे के बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। एलिमेंट्री पार्टिकल को F1 पार्टिकल भी बोला जाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो क्रिस्टे के सरफेस होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और कौन सी मेम्ब्रेन होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का ये जो फोल्ड होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ये F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर इनको इंटर मेम्ब्रेन स्फीयर्स बोला जाता है, ऑक्सीजोम्स बोला जाता है, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोला जाता है। और ये जो पार्टिकल्स है ये इवनली स्पेस्ड होते हैं, ये एक दूसरे से इवनली स्पेस्ड प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे ऐसे ही इवनली स्पेस्ड प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एक बेस प्लेट होती है, एक स्ट्रोक होती है और एक F1 पार्टिकल इनके अंदर प्रेजेंट होगा। बेस पीस जो है रेक्टेंगुलर शेप का होता है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडिड होता है। ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडिड होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन चैनल प्रेजेंट होंगे बहुत सारे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे स्ट्रोक होती है जो बीच में है, बीच में स्ट्रोक है, तो ये क्या करेगी, ये जो F1 पार्टिकल है, हेड है और बेस है, उसको कनेक्ट करने का काम करेगी। और ये होती है ओलिगोमायसिन सेंसिटिविटी कन्फर्मिंग प्रोटीन, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर ये F5 या फिर ओलिगोमायसिन सेंसिटिविटी कन्फर्मिंग प्रोटीन्स OSCP प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे F6 या फिर FC2 प्रेजेंट होते हैं, जो कि बाइंड करते हैं F1 से। इसके बाद हेड पीस की अगर हम बात करें F1 पार्टिकल की, हेड पीस जो है F1 सब यूनिट बोलते हैं इसको, स्फेरिकल होता है और इसके अंदर ATPase एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ATPase एंजाइम या फिर ATP सिंथेटेज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जो क्या करेंगे, जो सिंथेसिस होता है ATP को, उसको कंट्रोल करके रखेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय
फोस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी, इसलिए इनको एटीपी पार्टिकल्स भी बोला जाता है, और ये होती है फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी फंक्शनल यूनिट F1 पार्टिकल्स ही होते हैं, या फिर इनको F1 सब यूनिट बोला जाता है, या फिर हेड पीस हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी चेन है वो प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के कैरियर प्रोटीन्स और जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम इसको देखें, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, और ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, जो हेड पीस था वो प्रेजेंट, और ये चैनल है जो कि प्रोटॉन्स को क्या करेगा, पंप करेगा। और ये क्या है, एटीपीएस सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा एडीपी का एटीपी की फॉर्म में, तो एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। या फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो भी यही शो कर रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से क्या है, क्रिस्टे प्रेजेंट, और क्रिस्टे से क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये एफ नोट या फिर F0 पार्टिकल होता है और ये F1 पार्टिकल होता है, और बीच में क्या होती है, स्ट्रोक होती है, और ये क्या करता है यहाँ पे, ADP का फॉस्फोराइलेशन करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा जो चैम्बर्स प्रेजेंट है, कि कौन कौन से चैम्बर्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो आउटर चैम्बर हो गया, एक इनर चैम्बर हो गया, ये दो चैम्बर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आउटर चैम्बर क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेनस या फिर पैरी माइटोकॉन्ड्रियल इसको हम बोलते हैं, जो कि कहाँ लाई करता है, बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स के, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, जैसे कि ये आउटर हो गई, ये इनर हो गई, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, ये आउटर चैम्बर प्रेजेंट है। ये फील्ड होता है, और ये फील्ड तो होता है लेकिन लेस डेंसर होता है, और मोर एसिडी पीएच इसकी प्रेजेंट होती है, हेट्रोजीनियस मीडियम जो कि वाटर मिनरल्स एंजाइम्स का प्रेजेंट होता है। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो नियरली साइटोप्लाज्म के इक्वल ही होती है, जैसा साइटोप्लाज्म होता है नियरली उसके ही इक्वल होती है ये। इसके बाद नेक्स्ट हम अगर हम बात करें इनर चैम्बर की, इनर चैम्बर की अगर हम बात करें तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, जो कि मोर डेंसर होती है एंड जेल लाइक एक सब्सटेंस होता है, होमोजीनियस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स उससे ये फिल्ड होती है, और ये जो ग्रैनुलर और जनरली ये ग्रैनुलर होती हैं, और फिलामेंटस भी हो सकती है या फिर फाइब्रस भी हो सकती है। ये जो ग्रैनुल्स हैं ये कंसीडर किए जाते हैं कि डाइवेलेंट आयन है, डाइवेलेंट आयन बाइंडिंग साइट्स है, जहाँ पे मैग्नीशियम कैल्शियम जो आयन्स हैं, डाइवेलेंट आयन्स हैं, वो बाइंड हो सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो माइटो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, जो इनर चैम्बर की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, माइटोराइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोराइबोसोम्स क्या होंगे, राइबोसोम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं, और ये क्या होते हैं 55S, इनके अंदर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है 55 का होता है, जो कि हम राइबोसोम्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। मैट्रिक्स के अंदर फ्रीली लाई करते हैं, इनके अंदर दो सब यूनिट्स होती हैं, फर्स्ट होती है 40-45S की एंड स्मॉलर होती है 30-35S की। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसको MT से भी रिप्रेजेंट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल को। तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एंड नेक्ड होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं वैसे ही इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, और जो GNC ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर ये क्या होते हैं, रिच होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं देन द न्यूक्लियर DNA, न्यूक्लियर के अंदर कम होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ये मे बी अटैच हो सकते हैं और मे बी फ्री हो सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो एरियाज DNA कंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, जो मैट्रिक्स है उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स क्या करेंगे, प्रोटॉन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस और क्रैब साइकिल है उसके अंदर हेल्प करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कुछ बहुत सारे आर टाइप्स के RNAs प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि tRNA, mRNA या फिर rRNA या फिर राइबोफ्लेविन प्रोटीन होते हैं, और कुछ फाइबर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट होती है, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अलग अलग आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर कौन से प्रेजेंट है, इनर के अंदर कौन से प्रेजेंट है, और कौन से एंजाइम है क्रैब साइकिल के, कौन से एंजाइम फैटी एसिड सिंथेसिस करते हैं, कौन से
बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें, इसके अंदर क्या क्या होता है अदर देन न्यूक्लियर डीएनए से, यानी न्यूक्लियर डीएनए से ये कैसे डिफर करता है। एक तो इसके अंदर जीसी पेयर्स जो होते हैं ग्वानिन साइटोसिन के, वो ज़्यादा होते हैं देन न्यूक्लियर डीएनए। हाई डीनेचुरेशन टेम्परेचर होता है इसका, न्यूक्लियर डीएनए से इसका जो टेम्परेचर होता है हाई होता है, तो मेल्टिंग टेम्परेचर और जो टीएम है वो भी क्या होंगे, हाई होंगे यहाँ पे। इसके अलावा इसके अंदर लेस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है न्यूक्लियर डीएनए से। इसके अपने जो होते हैं सर्कुलर और नेक्ड होता है, रेप्लिकेट करता है जी टू टू साइटोकाइनेसिस के अंदर, यानी जी टू टू साइटोकाइनेसिस ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। और जो जो न्यूक्लियर डीएनए है वो कब रेप्लिकेट करता है, वो करता है एस फेज के अंदर। इसके अंदर बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है, इसके खुद के डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो इसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट इसका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर डीएनए से। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों बोला जाता है, इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल किस किस रीजन से बोला जाता है। फर्स्ट तो ये क्या करता है, इसके पास सारी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस खुद करता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोला जाता है। इसके अलावा इसके अंदर अपने माइटो राइबोसोम्स होते हैं खुद के, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज़ होते हैं जो कि इसको एमआरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब करेंगे और फिर माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज़ की हेल्प से। एटीपी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर फॉर्म ही होते हैं, इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी होगी वो वहाँ से आ जाएगी। तो इन रीजंस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बायोजेनेसिस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसे कैसे फॉर्म हुआ। लाइफ स्पेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो 5 to 10 days होता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट फोर व्यूज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया जो है अलग अलग व्यूज़ से या फिर अलग अलग तरह से उसका सिंथेसिस हुआ है। फर्स्ट वन इज़ द डी नोवो सिंथेसिस। डी नोवो सिंथेसिस के अंदर क्या होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ओरिजिनेट होते हैं सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं, और इनको बोलते हैं प्रो माइटोकॉन्ड्रियन। तो इसके अकॉर्डिंग, डी नोवो सिंथेसिस के अकॉर्डिंग साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रो माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म कर देता है। इसके अंदर ये ट्यूब्यूल्स बनी, फिर और ज़्यादा ट्यूबलाई फॉर्म होंगी, तो ये क्या कर देगा, ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बाद में क्या करेगा, एरोबिक कंडीशंस के अंदर आते ही अपने फंक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट जो व्यू आता है उसके अंदर क्या बोला गया है कि बाई ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया और बडिंग, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो पहले से प्रेजेंट है उसकी बड निकलेगी और उससे ही क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फॉर्म होगा। तो इसके अंदर क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है पेरेंट माइटोकॉन्ड्रिया, ये बडिंग हुई, ये बडिंग से और ज़्यादा डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया बना और फिर ये और ग्रो कर गया। अब एक व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपना साइज बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेगा और फिर ये कॉन्स्ट्रिक्शन बना लेगा, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये दो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट व्यू आता है कि फॉर्मेशन फ्रॉम इंट्रा सेलर स्ट्रक्चर्स, जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनसे ही क्या हुआ है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ओरिजिनेट हुआ है। जैसे कि एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पे ये जो है मेम्ब्रेन होगी या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर क्या हुआ, ये जो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वहाँ से ये इनवेजिनेशन स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे फॉर्म हो जाएगा। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया जो है इंट्रासेलर जो स्ट्रक्चर्स है उनसे ही फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिम्बायोटिक और प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग या फिर सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस इसको हम बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया रहते थे, ये एरोबिक बैक्टीरिया थे। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया ही क्या हो गए, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट हो गए और ये एनिमल सेल फॉर्म हो गई और ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बन चुके थे। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो कैसे रहते थे, सिम्बायोसिस मेंटेन करके रखते थे, यानी कि
जो सिम्पैटिक हाइपोथीसिस है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सिम्बायोसिस मेंटेन करते थे। सिम्बायोसिस के अंदर क्या होगा, ये जो एनारोबिक सेल थी वो खुद क्या नहीं कर सकती थी, यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो नहीं कर पाती थी। तो ये जो एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर एरोबिक बैक्टीरिया थे वो क्या करते थे, यहाँ पे इसकी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है या फिर ब्रेकडाउन था जो एनर्जी रिच एटीपीज मॉलिक्यूल्स का वो करते थे, और ये आपस में क्या करते थे, ये इसने इसको शेल्टर प्रोवाइड किया था और इसने क्या किया था, इसको एनर्जी प्रोवाइड की थी। तो ये सिम्बायोसिस में रहते थे और बाद में इवोल्यूशन के साथ साथ ये क्या हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म हो गए और ये अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करने लगे। ये कुछ हाइपोथीसिस थे या फिर जो व्यूज थे अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया की बायोजेनेसिस के। नेक्स्ट इज़ द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट इज़ द सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि ये साइट होती है सेल रेस्पिरेशन की और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइमेटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज का और प्रोड्यूस करते हैं एटीपी रिच मॉलिक्यूल्स या फिर एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। पावर हाउस भी बोलते हैं, स्टोरेज बैटरीज बोलते हैं इसको, एटीपी मिल्स बोला जाता है सेल्स की। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो होंगे सेल रेस्पिरेशन के, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ स्टीरॉइड्स साइटोक्रोम्स एंड क्लोरोफिल फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। साइट्स होती हैं इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स। वाइटलोजेनेसिस की भी साइट होती है, जो वाइटलोजेनेसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, जो ग्रोथ फेज होता है ऊजेनेसिस का, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है तो वो कंट्रोल की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। योक न्यूक्लियस होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड और गोल्जी बॉडीज फॉर्म करते हैं, तो वाइटलोजेनेसिस के अंदर भी हेल्प करता है। मिडल पीस जो होता है स्पर्म का, उसके अंदर भी हेल्प करेगा फॉर्म करने में, क्योंकि वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल प्रेजेंट होते हैं जिनको नेबिन कर्न बोला जाता है, और वो क्या करते हैं, नेबिन कर्न मिडल पीस जो होता है स्पर्म का वो फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। So this all about the mitochondria. Thank you so much.